माननीय हृदय पाल सिंह जी, प्रसिद्ध उपन्यासकार नानक सिंह जी के पारिवारिक जन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे छोटे भाई और बहुत बड़े उत्साह से जैसे कोई तीर्थ समागम होता है तो लोग अपने प्रियजनों को लेकर चलते हैं। उन चलने वालों में श्री कर्ता भैरूलाल जी जो चले, बेटे तुम भी चलो, बहू तुम भी चलो, श्रीमती जी तुम भी चलो, अरे जानते नहीं हो वहां बहुत बड़ा मेला लगेगा, बड़ा पुण्य का काम। किस सद्भावना से सत्यनारायण जी को भी ले आए और सत्यनारायण जी की श्रीमती जी जो सरपंच जी हैं उनको भी ले आए, पूरी पंचायत उन्होंने लगा। आप ये देखिए, वैसे तो हम लोग प्रपंचों में पड़े रहते हैं और इन्होंने बाल साहित्य को कितना महत्व दिया, बाल वाटिका से बाहर निकला, भीलवाड़ा में इनकी बाल वाटिका देखी मैंने, वाटिका भी है उसमें, वो भी उन्होंने दिखाई मुझे। तो क्या करूं, और मेरे दूसरे छोटे भाई हैं जो हिमाचल से पधारे, गुलेरी जी के परिवार के हैं, उनके घर भी मुझे जाने का मौका मिला। दतिया जो स्वयं में एक सिद्धपीठ है, उनके पास में वैद्य घराने से जाने माने श्री माता प्रसाद जी यहाँ विराजमान है, आप सब लोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि बाल साहित्य का काम हम हिमालय से उतरा, उसका उदय हो गया है, उसमें भी करोला है। हिमालय से सूर्य उदय हुआ, चूर्य का उदय हुआ और आलोक तक पहुंच गए और वो आगे आपके यहाँ धर्म क्षेत्र तक आ गया। पंजाब जो है वो धर्म क्षेत्र है, अगर देवलोक उत्तराखंड को कहा जा सकता है तो मैं पंजाब को धर्म क्षेत्र मानता हूं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र होगा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र होगा आज के भूगोल के हिसाब से, आज की राजनीति के हिसाब से, लेकिन धर्म क्षेत्र तो आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की जो लहराती खेती है उस खेती को, जैसे आजकल चने के बूट होते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए लोग खेतों में बिठ जाते हैं और हरे हरे बूट उखाड़ लेते हैं। ऐसे विदेशी कितने ही आए यहां और उन्होंने पंजाब की हरी हरी भूमि से यहाँ के बूटों को इकट्ठा किया, कोटा, कोटा शब्द है पंजाब, कोटा कोटिया, तो उन्होंने जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी पंजाब की वो सब खोटी उखाड़ ली, ले गए अपने घर, लेकिन फिर भी पंजाब पंजाब,
यहां की धरती तो माता है जो हर फसल में नींद देती और इस फसल को आनंदपुर में रहने वाले गुरु गोविंद सिंह जी और भी गुरु ये सारे के सारे सिख कर ही थे, ये दूसरी जातियों के लोग थे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वो सिख हो गए, सिख कहलाए। जिसे शिक्षा मिल गई वो सिख हो गया, तो अति भी सिख कहा गया। मैं भी सिख हाँ जी, तो यहां के गुरुओं ने धर्म की रक्षा की। हमारे छोटे भाई खांडेकर जी ने बताया कि यहां पर फतेह का स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों को दीवार में चुना गया था, दो को चुना गया था, चार थे उसमें दो को चुना गया था। हाँ ठीक है, मैं सुधार के बोलता हूँ, अगर में हम संपादक लोग क्या करते हैं, भूल सुधार करते हैं। चलिए, इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो हम तो सीखने आए हैं ना। मैंने कहा अच्छी सिखा रही हूँ, तो जहां दो शहीद हो गए धर्म के नाम पर, गीता ने तो कह दिया सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मामेकम शरणम व्रज। जैसे कठिन बात को स्वीकार करने वाला अगर कोई है तो पंजाब का वो स्थान है जहां हमारे दो नौजवान वो है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य को तपोभूमि को हम प्रणाम न करें, बाल साहित्य की प्रेरणा ग्रहण न करें, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नांदेड़ भी गया, हमारे बहुत से साथी भी गए जो यहां भी विराजमान हैं, आलोक जी जैसे लोग उनके साथी और भी आएंगे, आप देखेंगे जो नांदेड़ हमारे यहां गए गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए गए, जहां उन्होंने पांच लोगों के द्वारा पंच प्यारों की स्थापना की। मुझे भी पंजाब की धरती से पंच प्यारे चाहिए, केवल पांच लोग काफी, ज्यादा लोग नहीं थे। हृदय पाल सिंह जी एक हैं, पाल संदेश पिछली लड़ी के बाद है बाल संदेश निकाल, मैं इनके घर भी हो रहा हूं पीठ दिन, मैं जिसका भाई हूं उसके घर जरूर जाता हूं, मैं भैरू से कह देता हूं मैं तुम्हारे बच्चों का मामा हूं, और भाइयों से कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों का चाचा हूं। तो बच्चों का काम अगर हमें शुरू करना है तो पंजाब से बढ़कर एक धर्म क्षेत्र से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। तो मुझे भी पंच प्यारे चाहिए। आप लोग अच्छे लेखक कहेंगे बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, ये हमारी पूंजी है, उस पूंजी से आगे बढ़ना। लेकिन पूंजी से अगर चुपचाप बैठे हैं तो बाइबल में टैलेंट की कहानी आती है, टैलेंट को आप जमीन में गाड़ दिए तो वैसी की वैसी बनी रहे। लेकिन पंजाब की धरती में अगर उस टैलेंट को आप भूमिगत कर देंगे तो वो उगेगी, उससे भगत सिंह पैदा होंगे जो बंदूकों की खेती करेंगे। बाल साहित्य बंदूकों की खेती है, सब भगत सिंह जी ने कहा था
हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होने थे। गुरु नानक देव जी ने भी स्वीकार किया पवित्र ग्रंथ साहब में जिनकी वाणियां हैं उन्होंने जाति का विचार नहीं रखा, किसी संप्रदाय का विचार नहीं रखा, मानव हित में जो उपयोगी हो उसको लिया और देश को एक संदेश दिया उन्होंने कि जो ग्रंथ है वही गुरु है, जो हमारा ग्रंथ है वही गुरु है। अभी हम नांदेड़ गए तो वहां देखकर हम बहुत खुशी हुई, वहां पर किसी ग्रंथ को एक पार्टी में सजाकर लोग चलते और हमारे खांडेकर जी ने बताया कि ज्ञानेश्वर थे उनके ज्ञानेश्वरी जो उसको लोग लेकर चलते हैं और भी प्रकाशन जो होते हैं उसको लेकर चलते हैं और पूरी बस्ती में पूरे नगर में वो पालकी लेकर जाते हैं, धूमधाम से जाते हैं, जगह जगह वो फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। लेखन को या लेखक की कृति को इससे ज्यादा सम्मान हमारे देश में और क्या मिलेगा। पंजाब में जिसकी पूजा होती हो, जिसको गुरु का स्थान दिया गया हो, आदर किया गया हो, और महाराष्ट्र में जिसकी पालकी निकाली जाए और लोग सत्कार करें, साहित्य का मैं नहीं समझता किसी देश में, संसार में किसी देश में इतना सम्मान होता। तो ये तो सब हो गया, लेकिन एक बात जरूर है, ये अभी टेबल वर्क हुआ है, अभी फील्ड वर्क बाकी, अभी मेज पर बैठकर ये काम किया जा रहा है, अभी क्षेत्रीय काम किया जाना है। क्षेत्रीय काम तो वही है जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों ने किया और सन 1857 में जिन लोगों ने शहादत दी उसकी बाद की पीढ़ी उस यशोगान को गाती रही। मेरी मां भी सहारनपुर में थी और वो भी गाती थी, नहीं रखनी सरकार विदेशी नहीं रखनी, जलियां वाले बाग के अंदर मारे कई हजार, जालिम नहीं रखनी नहीं रखनी सरकार विदेशी नहीं रखनी। ये पंजाब की धरती के पुकार, हमको पंजाबी आती हो न आती हो लेकिन ये गीत मुझे आज भी याद है, मेरे नब्ज़ पे बसा हुआ है और मुझे क्षमा करें, मैंने एक बार किसी पटियाला में आकर ये बात कही थी, मैं दोबारा पटियाला आया, पहली बार नहीं आया, एक बार और आ चुका हूं दर्शन जी बताएंगे। मैंने एक बात की थी कि हमारे देश की जितनी भाषाएं वे सारी राष्ट्रभाषा है, पंजाबी भी राष्ट्रभाषा है। आप लड़ाने के लिए कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहेंगे, ये वक्तव्य जो है वो लड़ाने वाला है, पंजाबी साड़ी राष्ट्रभाषा है और मुझे पंजाबी आती है, मैं इसे पढ़ सकता हूं। जब आप कहें मैं आपको सुना सकता हूं, मैं इसका अर्थ बता सकता हूं, जबकि साहब का पाठ मैं करता हूं, आदि सचु जुगादि सचु ऐसी सच नानक को उनकी भी सच। कहने का मतलब संस्कृत के बहुत निकट अगर कोई भाषा है तो पंजाबी है। संस्कृत की जितनी भी संज्ञाएं हैं आपको पंजाबी में मिल जाएंगी, बिल्कुल वैसी की वैसी मिल जाएंगी आपको। पंजाबी के जो क्रियापद हैं,
कितना कितना ये सारे के सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो मौलिक रूप से पंजाबी में आए, और कोई भाषा में इतने शब्दों का चयन हो तो मुझे बताइए। मैंने लेकिन कहा ये तो वो खेत है जिसको लोग आए और यहां से बूटे उखाड़ के ले गए और अपने घर ले गए। महाराष्ट्र के नामदेव जी बीसी पंजाब के थे, वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के पास में आज भी लोग कहते हैं, उसके बाद वास्तविकता क्या है मैं नहीं बता सकता। हिंदुस्तान में तीन जगह हैं, एक तो बिठोर जो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से जाते, बिहार में वाल्मीकि नगर जो घाघरा के किनारे, बिहार वाले कहते हैं यहां वाल्मीकि रहते थे, अमृतसर के लोग कहते हैं हमारे अमृतसर के पास में भी वाल्मीकि नगर। जितने व्यापारी लोग हैं वो इस प्रकार से झगड़ा पैदा करते हैं अपने यहां मेले लगवाने के लिए, स्थान का महत्व दर्शाने के लिए लोग कहते हैं यहाँ पे। तो तुलसीदास जी को लेकर अभी तक ये तय नहीं हुआ क्या वो गोंडा में पैदा हुए थे कि राजापुर में पैदा हुए या एटा में पैदा हुए। तो ये तो व्यापार है महापुरुषों को लेकर अपना कहते हैं। गुरु नानक देव जी क्या किसी नानक साहब के हित है, कहा मक्का, कहा हिंदुस्तान, कहा अफगानिस्तान, कहा नहीं गए वो, किन किन लोगों को उन्होंने गैर समझा। नानक चढ़ती कला सर्वत्र एक जैसा। तो प्यारे भाइयों मैं आपके फील्ड वर्क की अपेक्षा करता हूं, तो फील्ड वर्क करने वाले हमारे पूजनीय भाई साहब मोहनलाल जी जैन थे, राजस्थान के जयपुर के, जिनके चिरंजीव यहां पर संजय जैन जयपुर से आए, जरा खड़े हो जाएंगे। ये है संजय जैन, इनके पूजनीय पिताजी ने सरदार शहर राजस्थान में अछूतों के लिए, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते, आजकल की बात छोड़ी है, आज से 100 साल पहले की आप कल्पना कीजिए, एक विद्यालय स्थापित किया, कर्ज लेकर स्थापित किया, और जब वो किसी महाजन का पैसा नहीं दे सके तो बेचारे कलकत्ते चले गए, एक चाय की दुकान उन्होंने चलाई, पर्दा डाल दिया, अपने बच्चों से कहा कि इसमें सहयोग करो, और कब बेटन हुई पर्दा लगाकर ताकि उनके ससुराल के लोग कहीं देखने लें। जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मेहनत के साथ, जितनी गांधी जी की एनर्जी की और प्रेरणा की बात थी उनके परिवार ने वो भोगी, बच्चों के देश के संपादक के रूप में आज उस काम को, पिताजी के उस काम को श्री संजय जैन संभाल रहे हैं, पंचशील जैन संभाल रहे हैं। तो ये देश जो है अब वो कार्यकर्ताओं से बनेगा, नहीं रखनी सरकार विदेशी, नहीं रखनी, नहीं रखनी विदेशी बाता सामू, नहीं रखनी, ये आपको बोलना पड़ेगा। आज जो बरिस्टर यहां पर घूमा, हमारे बहुत से भाइयों ने इस पंजाब में रहते हुए भी भाषा विभाग के रजिस्टर में भी अंग्रेजी में अपना नाम लिखा, आप देख लीजिए मैंने अपना नाम पंजाबी में लिखा। हम पंजाब में आए हैं, यह साडा प्रांत है, तुझी साडे प्रा हो, इस अपने मन की भावना से हमें काम करना, सारे देश के लिए काम करना,
देश की विशालता के लिए काम करना है। सरदार भगत सिंह की भावना से काम करना है कि कोई हमें संप्रदाय नहीं रखना, सारे देश को हमें एक करना। और मैं आपसे तीन बातें कहूंगा, कुल तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो यह, आप मांग करिए कि एक गाड़ी, आपने बहुत से नाम चुन लिए, तमाम गाड़ियां चला दी, दो गाड़ियां चलवाइए, मंत्रियों से कहिए एक का नाम हो बाल कल्याण एक्सप्रेस, दूसरी गाड़ी का नाम हो बाल साहित्य एक्सप्रेस। जहां जहां वो गाड़ियां जाएंगी, जहां जहां गाड़ियां जाएंगी, लोग बाल कल्याण की बात करेंगे। जब रिजर्वेशन फंड होगा तो उस पर बाल कल्याण लिखा जाएगा, उस पर बाल साहित्य लिखा जाएगा। तब लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि बाल कल्याण क्या है और बाल साहित्य क्या है। तो भाइयों, मैं तो दो बातें चाहता हूं आपसे। यही बात मैंने भीलवाड़ा में भी कही थी और यही बात मैं यहां कह रहा हूं। वो ये है कि आप लोगों से मांग करिए और मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए होंगे बाल कल्याण के लिए, उनके पास कोई ठोस योजना नहीं। कोई भी ठोस योजना नहीं, उसके लिए हमें फिर केजरीवाल की तरह या अन्ना साहब की तरह से बाल कल्याण के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और पंजाब से बड़ा पवित्र संदेश देने वाला धर्म क्षेत्र सरकार में कोई नहीं। अभी जिस वाल्मीकि नगर की चर्चा मैंने की, माननीय खानेकर जी ने जिनका उल्लेख किया, लव और कुश, मैं इन दो की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और विस्तार से दिलाना चाहता हूं। बाल साहित्य क्या है इस पर आप चिंतन होना चाहिए। वाल्मीकि जैसा गुरु चाहिए जिसने दो बेटों को तैयार किया और बाप के खिलाफ जिन बेटों ने ये लिखा कि तुमने हमारी माता को परित्यक्त कर दिया, तुम कितने अन्यायी हो कि तुमने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। और वो गाथा गाते हुए अयोध्या की गलियों तक लव और कुश गए, पाठक तो ही थे, वो बाल साहित्य का नहीं था। हमारे इन बच्चों में गुरुगुण साहब के शब्द कीर्तन की तरह से मुझे सुनाया था हमारे ये भाई दर्शन सिंह जी के, आसर जी के बेटों ने और बिटिया ने, हमने कई शब्द सुने। जब कभी मैं आता हूँ उनका शब्द ही सुनता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। आकाशवाणी में जब सुनता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ। तो वो बाल साहित्य जिसमें अन्याय का विरोध करने के लिए बच्चे बगावत करते, इस शासन को भी वो बगावत का सामना करना पड़ेगा और हमारे बच्चे करेंगे, हमारे लिए नौ कुछ करें। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा था, अन्याय को रोकने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किसी महापुरुष का बलिदान चाहिए। दर्शन के कहने पर राम ने तो 14 साल का वनवास झेल दिया, लेकिन किसी पिता ने अपने बेटे के कहने से अपनी जान कुर्बान कर दी हो, इतिहास में अगर कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा तो माननीय गुरु गोविंद सिंह जी का बनेगा।
दिल्ली का वो शीश महल गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा मुझे मैं उसको गंदी करना चाहता था, लेकिन वो जो जगह थी वो कभी कभी बड़े नवाबों के महल की तरह थी भाई, जिसको गंजे नाम दिया गया और जिनके शीश को आनंदपुर पहुंचाने वाला एक अनचेज व्यक्ति था, जिसमें बाकी लोगों में हिम्मत नहीं थी। एक मेटर था, स्वीपर था, स्वच्छकार था, जो उनके पवित्र शीश को लेकर आनंदपुर गया। अंत्यज नहीं है ये सब हमारे भाई लोग वाल्मीकि, ये सारे सारे वाल्मीकि हमारे पूजनीय है, हमारे अपने हैं, देश के अंग हैं। तो पिता की आप बच्चों की प्रेम की भावना देखिए, गौर गोविंद सिंह जी की बात उन्होंने मानी और कुर्बानी देने के लिए वो चल, ये है बाल साहित्य। बाल साहित्य खेतों में फसल उगाता है तो बंदूक उगाता है, बाल साहित्य अगर ठीक करता है तो अपने पिता को उपदेश देता है, उसको धर्म की ओर प्रवृत्त करता है, मजबूर कर देता है चलने के लिए। बाल साहित्य वो है जो राजा के सामने पिता के सामने सर उठा के चलता है, द्रौपदी की तरह वो अपने यशोगान करता है। तो ये धर्म क्षेत्र प्रणव में आप उसके प्रतीक हैं। हम सब लोग जो आपके ही इस देश के रहने वाले हैं, यहाँ इस पवित्र भूमि को अपना प्रणाम करने आए हैं, इस धर्म भूमि को प्रणाम करने आए हैं और आपको याद दिलाने आए हैं कि बाल साहित्य के लिए आप कुछ करें, बाल संदेश को आप आगे बढ़ाएं, बाल वाटिका को सजाएं, बच्चों का देश एक अनोखा देश बने जो सब पर पूरा पूरा ख्याल रखे, उसकी सुरक्षा रखे, उसको अपना कर्तव्य की ओर दे। तो आप टेबल वर्क करने दीजिए, लेकिन फील्ड वर्क भी शुरू होना चाहिए और मुझे खुशी है कि भैरूलाल गर्ग उसमें अग्रणी है। भैरूलाल गर्ग जी ने इस काम को उठा रखा है। चलते चलाते मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, एक आध हफ्ते भी नहीं हुआ है, हम लखनऊ गए थे और हमने शासन से एक मांग की, हरियाणा में उस बात को पूरा ध्यान दिया गया, आदर दिया गया और कर रहे हैं शायद, कि साहित्यकारों को उन्होंने बसों में यात्रा करने की सुविधा दी। हरियाणा में है, मैं वही कह रहा हूँ, ऑलरेडी है और उसी का उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में किया। एक हफ्ते पहले हमने शासन से मांग की है और हमें पूरा पूरा आश्वासन मिला है कि जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सम्मानित जन हैं, साहित्यकार हैं, उन सबको हम यात्रा की सुविधा एक आदमी के साथ में देंगे, क्योंकि प्राय ये लोग 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, इनको किसी सहायक की आवश्यकता होती है। पंजाब में क्यों नहीं हो, ये मांग पंजाब में भी क्यों नहीं उठनी चाहिए, यहां के साहित्यकारों को जहां जहां पंजाब की धरती की बसें जाए, पंजाब राज्य की बसें जाए, वहां पर एक आदमी के साथ में सुविधा दी जाए, यही तो फील्ड वर्क है। साहित्यकारों को दूसरे देशों में और हमारे यहां भी राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको देश का भविष्य बनाना है तो आप बाल कल्याण की ओर ध्यान दीजिए, लेकिन बाल कल्याण के लिए अब सुधारने की, राजा को सुधारने की, लोग उसके नाम को लेकर चलने की, तो आपकी वो भावना क्यों नहीं जागृत होनी चाहिए।
मैं आपसे विनय पूर्वक ये निवेदन करता हूं कि फील्ड वर्क में आपको लगना है कि क्षेत्रीय काम में लगना है, धर्म क्षेत्र के पवित्र स्थान के पवित्र व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटों की तरह बाल कल्याण के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रबंधु जी, आपका समरसता सरसता और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अभिभूत कर देने वाला ये वक्तव्य वास्तव में हम सभी को बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करता है।